हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज के वीडियो में माय सेल्फ टॉपिक से, से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जिसकी आप बच्चों को ओरल एंड रिटर्न दोनों तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम माय नेम इज़ डैश स्टूडेंट को अपना नाम यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन टू है हाउ ओल्ड आर यू आई एम डैश ईयर्स ओल्ड अपनी एज यहाँ पर लिखनी है क्वेश्चन थ्री है आर यू अ बॉय और अ गर्ल आई एम अ डैस बॉय यहाँ पर बॉय लिखेंगे और गर्ल गर्ल लिखेंगे नंबर फोर इन विच क्लास डू यू स्टडी आई स्टडी इन डैस अपना क्लास यहाँ पर लिखेंगे जिस क्लास में वे पढ़ते हैं क्वेश्चन फाइव व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल द नेम ऑफ माय स्कूल इज़ डैस स्कूल नेम यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर आवर क्लास टीचर नेम इज़ डैश क्लास टीचर का नाम यहां पर लिखना है क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर माय फादर्स नेम इज डैश फादर्स नेम लिखना है नंबर एट व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर माई मदरस नेम इज़ डैस यहाँ पर मदर का नेम लिखना है हाउ मनी मेम्बर्स आर देर इन योर फैमिली देर आर डैस मेम्बर्स इन आवर फैमिली फैमिली मेम्बर्स को काउंट करके यहाँ पर लिखना है कि कितने फैमिली मेम्बर्स घर में हैं नंबर टेन वेयर डू यू लिव आई लिव इन डैस सिटी सिटी नेम लिखना है यहाँ पर सिटी नेम लिखेंगे क्वेश्चन इलेवेन वेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन डैस यहाँ पर बर्थडे लिखना है डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर आई हैव डैस ब्रदर और सिस्टर अगर ब्रदर या सिस्टर है तो यहाँ पर लिखेंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पर नो no लिखेंगे नो ब्रदर है और सिस्टर क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाट डज़ योर फादर डू माई फादर इज़ ए ऑब्लिक एंड डैश फादर का यहाँ पर ऑक्युपेशन लिखना है जो भी वो करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वट डज़ योर मदर डू माई मदर इज़ ए ऑब्लिक एंड डैश मदर का ऑक्युपेशन यहाँ पर लिखना है नंबर फिफ्टीन विच गेम इज़ योर फेवरेट गेम माई फेवरेट गेम इज़ डैश फेवरेट गेम यहाँ पर लिखना है जो भी स्टूडेंट की फेवरेट गेम है वो यहाँ पर लिखना है नंबर सिक्सटीन विच कलर इज योर फेवरेट कलर माई फेवरेट कलर इज़ डैश अपना फेवरेट कलर यहाँ लिखना है विच फूड इज़ योर फेवरेट फूड माई फेवरेट फूड इज़ डैश अपनी फेवरेट फूड यहाँ पर लिखनी है क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट मेक्स यू हैप्पी आई फील हैप्पी वेन माई मम्मी हक्स मी ऑब्लिक डैडी प्लेस विथ मी तो इस तरह से आप बच्चों की माई सेल्फ टॉपिक पर ओरल एंड रिटर्न प्रैक्टिस करवा सकते हैं इस वर्कशीट में बच्चों को फिल इन फीलिंग डिब्लाइज करवा के उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करवा सकते हैं साथ ही उनसे क्वेश्चन आंसर पूछकर उनकी ओरल प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ